चलो यार, अभी गब्बर भागने की तैयारी में है यार। दादाजी क्या बोले? दादाजी कम? दादाजी कम? देर हो रही है? देर हो रही है। कम फास्ट? कम बहुत। दादी तीन दे जाओगे ठीक था। दादी की रूम से हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ आंचल और स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है देहरादून वारी। आज है संडे 2 अप्रैल और हम सब जा रहे हैं विद फैमिली हमारे कुल देवी के पास जो है हमारी माँ चंद्रवदनी। तो अभी हम देहरादून में हैं, 7:20 हो चुके हैं और उसके बाद हम निकलने वाले हैं देवी के लिए और साथ ही साथ हम आज रात को वहीं स्टे करेंगे। तो आप व्लॉग में बने रहिए और हमारे साथ दर्शन कीजिए माता के। तो तुम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर, वहाँ जाके क्या बोलेंगे हम? जय माता दी। इधर रेडी बोलो, जय माता दी। जय माता दी। जय मामा। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस मंदिर के आपको दर्शन कराने वाली हूँ, माता चंद्रवदनी माता मंदिर के, ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये 52 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। और दोस्तों, ये प्राचीन मंदिर समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही पुरानी कथा है कि जब भगवान शिव माता सती के गृह देह को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पावन शरीर के कई हिस्से कर दिए थे। और माता सती के पावन शरीर के ये पावन हिस्से जिस भी स्थान पर गिरे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर माता का पावन बदन वाला हिस्सा गिरा था, इसलिए यहाँ का नाम पड़ गया माता चंद्रवदनी मंदिर। अब हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश से ऊपर शिवपुरी, जो काफ़ी फेमस है ट्रैकिंग, राफ्टिंग और कैंपिंग के लिए। तो यहाँ पे इसी कारण काफ़ी रश था, काफ़ी ट्रैफिक था, क्योंकि मॉर्निंग में ये सारे राफ्टिंग के लिए जाते हैं। भी आप कभी श्रीनगर साइड आते हैं, देवप्रयाग साइड आते हैं, तो आपको वहाँ पे 2 स्टेशन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको काफ़ी खाने की वैरायटी और काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप 3 धारा पे रुक सकते हैं या फिर ब्यासी में रुक सकते हैं। ब्यासी की मम्मी कहती हैं कि आलू के परांठे और छोले का साग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट इस बार हम आपको दिखाने वाले हैं देवप्रयाग का बाज़ार, क्योंकि देवप्रयाग हम आज से पहले कभी नहीं रुके हैं। इससे पहले मैं एक बार आई थी तो हम ब्यासी रुके थे, वहाँ पर सीरियसली काफ़ी अच्छा खाना था। इस बार देखते हैं कि देवप्रयाग में कैसा हमें मार्केट मिलता है और कैसा यहाँ का खाने का ऑप्शन मिलता है हमें। अब यहाँ पर हम देवप्रयाग संगम में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम करेंगे लंच। तो चलिए आपको देवप्रयाग का बाज़ार दिखाते हैं।
हम यहाँ पे मंदिर परिसर में पहुँच चुके हैं, बट यहाँ से अभी मंदिर थोड़ा सा टॉप पे है, तो 1 किलोमीटर की यहाँ पे चढ़ाई है। और यहाँ पे आपको सारी तरह की दुकानें मिल जाएगी, आपको पूजा का सामान लेना है, नाश्ता करना है, लंच करना है, यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। प्यार से बोलो, सारे बोलो। हो गई अभी हैं? सही बना रखा वही तो। जय माता की, जय माता की। देखो ऊपर मंदिर दिख रहा है, इतनी ऊपर जाना है हमें। ढोल के बता रहे ढिंगी 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 ढिंगी। चल रहे ना, तो कितनी तेज तेज दिख रहे हैं। Thank you.
आप सबको काफ़ी हैरानी होगी कि इस मंदिर में चंद्रबंदी माता की मूर्ति के बजाय एक यंत्र स्थापित है जिसे श्री यंत्र कहा जाता है। इसी यंत्र की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। श्री यंत्र मंदिर के गर्भगृह में एक शिला यानी पत्थर पर बना हुआ है और उसके ऊपर एक बड़ा सा छत्र स्थापित है। इस श्री यंत्र को हमेशा ढककर रखा जाता है क्योंकि इस पावन स्थान पर माँ सती का पावन बदन गिरा था, इसलिए यहाँ स्थापित श्री यंत्र हर समय ढककर रखा जाता है। यहाँ तक कि मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर माँ चंद्रबदनी को स्नान कराते हैं। कहा जाता है कि एक बार मंदिर के पुजारी ने श्री यंत्र को देख लिया था जिसके बाद से वे अंधे हो गए थे। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। होप्स आपको पसंद आया हो। इसका नेक्स्ट पार्ट कल के ब्लॉग में आएगा जिसमें मैं आपको नागराजा मंदिर, नरसिंह मंदिर दिखाऊंगी अपने सोडू गांव का। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।